गुड इवनिंग एवरीवन, हम डॉक्टर गोविंद, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एट अपोलो मेरेकल्स सेक्टर 82। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स फिशर और फिस्टुला। इस टॉपिक में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि पाइल्स फिशर फिस्टुला होते क्या है। जनरली हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो दे यूजुअली से कि भाई मेरे को पाइल्स हुआ है। अब उनको पता नहीं होता कि पाइल्स फिशर फिस्टुला में डिफरेंस क्या होता है, तो आज हम उसी में बात करने वाले हैं। व्हाट आर पाइल्स फिशर एंड फिस्टुला एंड व्हाट आर ऑल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, देयर प्रिवेंशन। ओके, सो पाइल्स होता क्या है? पाइल्स एक तरह के एनल कुशंस होते हैं हमारे लैट्रिन के रास्ते में, जो कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से या लैट्रिन में जोड़ लगाने की वजह से वो बढ़ने लग जाते हैं। इन इनिशियल स्टेजेस पाइल्स में पेन नहीं होता है, बस ब्लीडिंग होती है। वो धीरे धीरे बड़े होके बाहर आने लगते हैं। सेकंड स्टेज में वो बाहर आएंगे लेकिन ऑटोमेटिकली अंदर चले जाएंगे। थर्ड स्टेज में वो बाहर आएंगे लेकिन हमें फिंगर से अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड इन फोर्थ स्टेज देयर विल बी प्रोलैप्स, और फोर्थ स्टेज में जाके पाइल्स में पेन होता है। तो अगर आपके एनल एरिया में पेन हो रहा है और कुछ वहाँ मास कुछ नहीं है तो इट मीन्स इट्स नॉट पाइल्स। अब बात करते हैं फिशर। फिशर होता क्या है? जब भी हम कभी लैट्रिन जाते हैं तो हमारे टॉयलेट के रास्ते में कट लग जाते हैं, उस कट को हम फिशर बोलते हैं। और वो जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ड स्टूल आएगा, तो वो कट है वो और बढ़ता जाएगा और दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। तो आपको लैट्रिन जाने के तुरंत बाद बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो ये फिशर है। और फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला एक्चुअली हमारे एनल एरिया में एनल ग्लैंड्स होती हैं। वो एनल ग्लैंड्स इन्फेक्ट हो जाती हैं और इन्फेक्ट होने की वजह से अंदर पस कलेक्ट हो जाता है। वो पस बाहरी स्किन पे आके वो फूट जाता है और एक और रास्ता बना लेता है, जिससे कि कॉन्स्टेंटली पस आता रहता है। सो दैट इज फिस्टुला। अभी पाइल्स फिशर और फिस्टुला होता कैसे है? पाइल्स फिशर और फिस्टुला होने का सबसे प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो ये दिक्कतें आपको हो सकती हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम खूब सारा पानी पियेंगे, लिक्विड्स ज़्यादा लेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, कोई भी एक लेक्सेटिव ले सकते हैं। और आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है, वो आपको एग्जामिन करेंगे और तभी आपको बताएंगे कि आपको पाइल्स फिशर फिस्टुला क्या है। अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? पुराने ज़माने में इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होता था कि चीरफाड़ होती थी, जिससे कि बहुत ब्लीडिंग भी होती थी और काफ़ी दिन तक पेशेंट परेशान भी होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इनको ठीक कर सकते हैं। पहला तो पाइल्स की अगर हम बात करें तो पाइल्स ओपन सर्जरी भी होती है, पाइल्स की स्टेपलर सर्जरी भी होती है, पाइल्स के बैंड्स वगैरह भी लगाए जाते हैं, और अभी लेटेस्ट है कि पाइल्स में लेज़र सर्जरी भी होती है। लेज़र सर्जरी से हम आपकी पाइल्स को वहीं के वहीं ठीक कर देते हैं और आप अगले दिन बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस करते हैं और अपना नॉर्मल डेली रूटीन शुरू कर सकते हैं। ऐसी फिशर और फिस्टुला में भी ओपन सर्जरी भी होती हैं, लेकिन आज की लेटेस्ट और जो एडवांस है वो लेज़र सर्जरी है। लेज़र सर्जरी से आपके पाइल्स फिशर और फिस्टुला का पेनलेस ट्रीटमेंट हो सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू।